इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज जिला मुख्यालय पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। वहीं उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति एवं श्रम नीति की खामियों, प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं किमिलियर व्यवस्था लागू करने के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वही महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मामला हम लोग जो है 22 जून से हम लोग धरना प्रदर्शन और मामला दे रहे हैं और हमारे 15 सूत्री मांगे हैं। इस मांग को लेकर हमेशा हम लोग हर सोमवार को आते हैं कलेक्ट्रेट में और ज्ञापन देते हैं। जैसे हमारी मांग किसानों को लेकर है, जो कृषि बिल अभी चल रहा है इसको लेकर के है। शिक्षा में अगर हम देखते हैं दोहरी शिक्षा नीति जो सरकार अपना रही है उसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़े चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, सिलेबस एक होना चाहिए, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी हम जो बेरोजगार हमारे साथी जो कोरोना के लिए महामारी के लेकर आज घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए कम से कम 1,15,000 रुपये और 7,500 रुपये कम से कम एक साल दिया जाए, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। और हमारे गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। जो किसानों के खेत में आवारा पशु आजकल चल रहे हैं उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित गौशालाओं का प्रयोग करें, बढ़िया बनवाए, जिससे हमारे किसानों की जो फसलें बर्बाद ना होने पाए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो अनवरत हर सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से जो है मांग करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जो है ज्ञापन देते हैं। जी जी, जो किसानों की भुगतान बाकी है सरकार से पिछली मतलब कई किस चीज़ का भुगतान, गन्ने का जो भुगतान है अभी तक जो है कई मिलों का बाकी है। सरकार से हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं, सरकार अभी तक जो है नहीं पूरा कर रही है, लेकिन हम उसको निरंतर मांग करते रहेंगे और जब तक से मांग हमारी पूरा नहीं होगी तब। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।